रूस यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे इसमें परमाणु हमले का भी अब खतरा मंडराने लगा है। पुतिन परमाणु जंग के मुहाने पर खड़े। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान नाटो देशों और क्रेमलिन के बीच तनाव अपने चरम पर है। नेटो लगातार चेतावनी दे रहा है कि मॉस्को के साथ सीधा संघर्ष एक वास्तविक खतरा है। रूस की तैयारी देखकर पश्चिमी देश चौकन्ने हो गए हैं, जिसके बाद नाटो देशों ने निगरानी बढ़ा दी है। दरअसल रूस के पास किसी भी बाकी देश के मुकाबले में ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये बयान तब सामने आया है जब पुतिन और रूसी अधिकारी कीव और उसके पश्चिमी भागीदारों के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर रूस के विदेश मंत्री डॉक्टर सर्जेई लावरोव ने चेतावनी दी कि मॉस्को के परमाणु हथियार पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। रूस की न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक लावरोव ने कहा कि कोई भी परमाणु युद्ध नहीं चाहता, मगर रूस के परमाणु हथियार पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं। हम रेड लाइन के बारे में बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे आकलन बयानों को बुद्धिमान निर्णय लेने वाले लोग सुनेंगे। ये कहना गंभीर नहीं है कि अगर कल आप वह नहीं करेंगे जो मैं आपसे मांगता हूं, तो हम रेड बटन दबा देंगे। मुझे विश्वास है कि ऐसी स्थितियों में निर्णय लेने वालों को पता होता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी परमाणु युद्ध नहीं चाहता है। रूस के पास ऐसे हथियार हैं जिसका यूक्रेन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। खास बात है कि रूसी विदेश मंत्री का बयान ड्यूमा के स्पीकर वोलोडिन से अलग है। वोलोडिन ने कहा था कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी वाली मिसाइल की सप्लाई करते रहते हैं, उनसे रूस की जमीन पर हमला होता है, तो फिर हमें परमाणु हथियार की तरफ रुख करना होगा। ऐसी कार्रवाइयों से परमाणु हथियारों का वैश्विक युद्ध छिड़ सकता है, इसलिए पश्चिम की सोच समझकर और रेड लाइन का ख्याल रखकर कोई फैसला लेना चाहिए। बता दें कि रूसी विदेश मंत्री की हालिया टिप्पणी पुतिन के एक और सहयोगी यानी पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की चेतावनी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पश्चिमी देशों की दखलंदाजी से रूस का धैर्य खत्म हो रहा है। परमाणु संघर्ष किसी के हित में नहीं है। रूस के अंदर तक सटीक हमले करने के मामले में पश्चिमी देशों की दखलंदाजी के जवाब में अपनी परमाणु क्षमताओं का इस्तेमाल करने में संयम बरता है। सबसे बड़े धैर्य की भी अपनी सीमाएं होती हैं। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने मेदवेदेव के हालिया बयानों की गंभीरता को खारिज किया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि मेदवेदेव को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ये क्रेमलिन की सामान्य बकवास है। बता दें कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस के खिलाफ खुद की रक्षा करने के लिए सैन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की एटकेम्स मिसाइल को सप्लाई की थी। इस दौरान यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वे अमेरिकी एटकेम्स और ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों पर प्रतिबंध हटा दें, जिससे इनका इस्तेमाल रूस के भीतर तक में किया जा सकेगा।